गुड इवनिंग बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज है 20 जनवरी और अब हम शुरू कर रहे हैं आज हमारी क्लास। आज के टॉपिक का नाम है द हैप्पी स्नेल। क्या नाम है? द हैप्पी स्नेल। ओके, द तो आप जानते होगे ना, जब आप कोई विशेष चीज के बारे में बात करते हो तो आगे क्या लगाते हो? द लगाते हो। ओके, द हैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश, है ना। हैप्पी का मतलब होता है खुश। कौन खुश है? स्नेल खुश है। स्नेल का मतलब गोंच। स्नेल को गोंच भी बोलते हैं और कुछ लोग घोंघा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घोंघा, है ना। और गांव में इसको गोंच भी बोला जाता है, ठीक ना। हाँ, तो द हैप्पी स्नेल। स्नेल कैसा दिखता, आपने देखा होगा ना, इस टाइप का कुछ दिखता है ना स्नेल। यस, तो ये स्नेल हुआ करता है। अब आपने देखा होगा स्नेल किस जगह पे रहता है। स्नेल जिस जगह पे रहता है ना, ऐसा एक रहता है जगह सा, उसके अंदर से स्नेल निकलता है। तो ये जो जगह स्नेल रहता है, उस रहने वाली जगह को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं शेल। क्या बोलते हैं? एच ई डबल एल। शेल का हिंदी मीनिंग होता है कवच, ठीक ना। एक होता है शेल, शेल मतलब कवच, और एक होता है सेल, बेचना। सेल का मतलब बेचना। वेरी गुड, सेल का मतलब बेचना। तो एक होता है कवच वाला शेल और एक होता है सेल, सेल यानी बेचना। ओके, शेल कवच भी बोल सकते हो। कई बार शेल को पिंजरा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है शेल को? पिंजरा। एस एच ई डबल एल, इसको पिंजरा भी बोला जाता है, ठीक ना। और कुछ लोग इसका इस्तेमाल जेल के लिए भी करते हैं, ठीक ना। जेल, शेल, जेल भी एक तरीके का पिंजरा होता है ना, जेल में बंद कर देते हैं लोगों को, देखोगे ना। तो हाँ, तो जेल भी क्या होता है? एक पिंजरा ही तो होता है ना, उसके अंदर से लोग नहीं जा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं शेल, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हो गए। हाँ, शेल होती क्या है? कवच। तो कवच को आप अगर इंग्लिश में बताना चाहोगे तो क्या बताओगे कि कवच क्या होता है? एक्चुअली जो कवच हुआ करता है बच्चों, वो हम लिख सकते हैं कवच को, कि ये जो कवच होता है, एक्सक्यूज मी, चलिए, तो हम कवच को क्या बोल सकते हैं? ये जो कवच हुआ करता है, इसे हम बोल करते हैं हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ स्नेल और क्रैप्स। क्या बोलेंगे? हार्ड हार्ड क्या बोलूंगा मैं? हार्ड आउटर मतलब शेल का मतलब मैं बता रहा हूं आपको। तो चलिए मैं नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा शेल का मीनिंग। तो शेल का मीनिंग हुआ करता है, शेल मींस हार्ड, हार्ड मतलब मजबूत, हार्ड मतलब मजबूत, आउटर, आउटर मतलब बाहर की। देखो ये जो शेल होती है ना, ये अब बाहर होती है और बहुत मजबूत हुआ करती है ना, पत्थर की बनी होती है ना, तो बहुत मजबूत होती है। हार्ड आउटर कवरिंग, कवरिंग है ना, हाँ, ढकी रहती है, बिल्कुल सही। इसके अंदर स्नेल ढका रहता है, तो कवरिंग है ना। हार्ड हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ, किसकी कवरिंग करता है? किसमें किसमें शेल पाया जाता है? शेल के अंदर कौन रहता है? स्नेल्स रहते हैं और क्रैब। क्रैब मतलब केकड़ा, क्रैब मतलब, और वो स्नेक, स्नेक नहीं रहता है, स्नेक के पास कोई शेल नहीं होता है, समझ गए ना। होल, होल, स्नेक होल में रहता है, समझ गए ना। हाँ, स्नेक शेल के अंदर नहीं रहता, बल्कि आप ये कह सकते हो कि टर्टल जो होता है, टर्टल के पास शेल रहती है, TURTLE, देखा आपने टर्टल। तो टर्टल के पास शेल होती है, टर्टल मतलब कछुआ, टर्टल मतलब कछुआ, है ना। तो कछुआ जो होता है उसके पास शेल हुआ करता है ना, ऐसा देखा होगा, ऊपर बड़ा सा रहता है, इसमें बड़े बड़े दाने से बने रहते हैं, देखा ना आपने। तो ये क्या रहती है? ये हार्ड रहती है कि सॉफ्ट रहती है, बताओ? यस, बताइए आप, हार्ड रहती है कि सॉफ्ट रहती है? हार्ड रहती है। कैसी रहती है? आउटर रहती है कि इनर रहती है? आउटर। वेरी गुड, तो ये आउटर भी रहती है ना। और हार्ड आउटर क्या रहता? कवर रहता है कि अंदर का चीज रहता है? कवर। हाँ, तो इट इज हार्ड आउटर कवरिंग। कवरिंग मतलब बाहर से, पैक। ओके, बाहर से। कवरिंग, कवरिंग मतलब ढका हुआ, कवरिंग मतलब ढका हुआ, कहते ना इसको कवर कर लो, या फिर उड़ा हुआ। हाँ, उड़ा हुआ, उड़ा, ओढ़ा हुआ, ओढ़ा हुआ है ना, ओढ़ा, ढाड़कन का ओढ़ा हुआ। कवरिंग, कवरिंग मतलब ढका हुआ। जैसे आपकी बुक्स आती है ना, जब आप नई नई बुक्स लेके आते हो ना, अपनी बुक्स को आप क्या करते हो? कवर करते हो। क्या करते हो बुक्स को?
कवर करते हो, जिससे कि आपकी बुक सेफ रहे, सुरक्षित रहे, है ना। तो आप अपनी बुक्स को क्या करते हो, कवर करते हो ना। तो यस, तो वो भी कवरिंग होती है ना। चलिए, तो आपकी बुक्स की जो कवरिंग होती है वो कैसी होती है, हार्ड रहती है कि सॉफ्ट रहती है? गलत बताया आपने, पत्थर की थोड़ी ना होती कवरिंग आपकी बुक की। आपकी बुक की कवरिंग तो पेपर की होती है, तो आपकी बुक की कवरिंग कैसी रहती है, सॉफ्ट। कैसी रहती है, सॉफ्ट। यस, तो ये होता है कवर और शेल, ठीक ना। अब दूसरी स्पेलिंग हम पढ़ते हैं, आपसे पूछते हैं मेल्टिंग। तो मेल्टिंग का मतलब क्या होता है भाई, मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना। मेल्टिंग का मतलब पिघलना। अब बोलोगे पिघलना क्या होता है, तो आपने देखा होगा फ्राई पैन में आप क्या करते हो, कभी अगर डालडे को डाल देते हो, डालडा जो आता है ना मार्केट में, घी जो होता है ना, घी कैसा रहता है, पहले जमा हुआ रहता है ना, और जैसे आप आग में देते हो उसको, जैसे आप गैस जलाते हो, तो ये पिघलने लगता है कि नहीं पिघलने लगता है, और थोड़ी देर के बाद ये क्या बन जाता है, पानी पानी जैसा ना बनता है कि नहीं बनता, दाल। दाल क्यों बनेगी भाई, घी डालोगे तो घी ही बनेगा ना, बट ये पहले जमा हुआ था, पहले कैसा था, जमा हुआ था, जमा था मतलब सॉलिड था, कैसा था, सॉलिड। अब किस में बदल गया, लिक्विड, किस में बदल गया, लिक्विड, लिक्विड में बदल गया, तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग, एक्चुअली मेल्टिंग इज टू बिकम लिक्विड, टू बिकम लिक्विड, हाँ लिक्विड। लिक्विड को बूंद नहीं कहते बेटा, बूंद तो ड्रॉप होती है, बूंद मतलब ड्रॉप, ड्रॉप को हिंदी में बोलते हैं बूंद, ड्रॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं, बूंद, जो ऐसी दिखा करती है ना, देखिए इस टाइप से दिखती है ना, ये ड्रॉप हुआ करती है ना। तो ड्रॉप जिस चीज की बनती है, ड्रॉप जिस चीज की बनी होती है, उस चीज को क्या बोलते हैं, लिक्विड, लिक्विड। हाँ, जैसे कभी पानी की बूंद, तो पानी क्या होगा, लिक्विड होगा। दूध की बूंद भी बनती है, तो दूध भी क्या होगा, लिक्विड होगा, है ना। दूध की बूंद भी बनती है, पानी की बूंद भी बनती है ना। आपने रसगुल्ला खाया होगा, तो रसगुल्ले में शीरा होता है ना शक्कर का, तो शीरा सिरप की भी बूंद बनती है, तो वो लिक्विड होता है। लिक्विड को हिंदी बोलते हैं तरल, क्या बोलते हैं, तरल, तरल, है ना। चलिए, तो ये हो गया अपने पास लिक्विड। ओके, सो व्हाट इज मीन मेल्टिंग, मेल्टिंग का मतलब होता है टू बिकम लिक्विड, टू बिकम लिक्विड। हाँ, अब बोलोगे बिकम क्या होता है सर, तो बिकम का मतलब होता है होना, बिकम का मतलब होना, बिकम का मतलब होना, क्लियर हुआ, बिकम का मतलब होना, किसी का लिक्विड में होना, किसी का लिक्विड में बदलना, क्या कहलाएगा अपना, मेल्टिंग। चलिए तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट हमारे पास है, आपने कभी देखा होगा आप किसी चीज को झांक करके देखते हो स्कूल में, जब आपको बाहर कर दिया जाता है कमरे के, तो आप स्कूल के कमरे के बाहर से क्लास के अंदर क्या चल रहा होता है झांक के देखते हो कि नहीं देखते हो, तो झांकने को क्या बोलते हैं भाई, झांकने को क्या बोलते हैं, झांकने को बोलते हैं पीपिंग, 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 क्या बोलते हैं, पीपिंग बोलते हैं। अब आप बाहर भी झांक सकते हो, अंदर भी झांक सकते हो, अगर आप बाहर झांकोगे तो बोलोगे पीप्ड आउट, क्या बोलेंगे, पीप्ड आउट, पी डबल ई पी ई डी, पीप्ड आउट। पीप्ड आउट का मतलब कहाँ झांकना, बाहर या अंदर, बाहर, तो इसका मतलब होता है बाहर झांकना, बाहर झांकना। और अगर आप बोलोगे पीप्ड इन, तो पीप्ड इन का मतलब क्या होगा, अंदर झांकना, वेरी गुड, पीप्ड इन का मतलब होगा अंदर झांकना, पीप्ड इन का मतलब अंदर झांकना, ठीक ना। चलिए, ओके, पीप्ड आउट मतलब बाहर झांकना। आप बाहर झांकने को और क्या बोल सकते हो भाई, पीप्ड आउट बाहर झांकने को और क्या बोल सकते हैं, हम कुछ बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते बाहर झांकने को, क्या बोल सकते हैं बाहर झांकने को, लुक्ड आउट, क्या बोलते हैं, लुक्ड आउट। तो लुक्ड आउट का मतलब ये होगा एक्चुअली बाहर देखना, तो देखना झांकना लगभग लगभग वही वही है ना। तो देख, मगर देखा तो बहुत सामने से जाता है, मगर झांका चोरी से जाता है ना, तो जब आप चोरी से देखोगे तो उसको क्या बोलोगे, पीपिंग, क्या बोलोगे, पीपिंग। क्या पीपिंग करना अच्छी बात है कि बुरी बात है, हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भैया पीपिंग क्या है, एक ऑप्शन दिया मैंने आपको गुड हैबिट, और दूसरा मैंने आपको कहा बैड हैबिट, तो बताइए किसमें निशान लगाएंगे, बैड हैबिट। बिल्कुल सही, आपको मिलते हैं 1 मार्क्स, बैड हैबिट। ओके, चलिए अगला।
अब अगला मैं आपसे बात पूछता हूँ कि आपने कभी किसी फ्लावर को बड़े होते देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। हाँ, तो जब फ्लावर बड़ा हुआ करता है तो एकदम से बड़ा हो जाता है कि पहले छोटा रहता है? पहले छोटा रहता है है ना। गुलाब का फूल आपने देखा होगा, बाद में ऐसा हो जाता है खुल करके, है ना। बट जब गुलाब का फूल छोटा रहता है तो ऐसा रहता है, पैक रहता है चारों तरफ से, रहता कि नहीं रहता है? हाँ। तो गुलाब का फूल जब छोटा रहता है, मतलब बिना खुला हुआ या आधा खुला हुआ फ्लावर, इसको क्या बोलते हैं? आधे खुले फ्लावर को बड्स। क्या बोलते हैं? बड्स। तो बड्स का मतलब क्या होता है? हाफ ओपन फ्लावर। क्या होता है बड्स का मतलब? हार्ड ओपन। हार्ड नहीं, हाफ। हाफ मतलब आधा। हाफ मतलब आधा। हाफ की स्पेलिंग बोलिए। एच ए डबल एल एफ। गलत बोल गए आप। एच ए एल एफ। एच ए एल एफ। Half opened, OPENEDFLOWERS। Half मतलब आधा, opened मतलब खुला हुआ, आधा फूल खुला हुआ, आधा खुला हुआ फूल। opened मतलब खुला हुआ, आधा खुला, फ्लावर मतलब फूल, फ्लावर मतलब फूल। तो आधे खुले हुए फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं? बड्स। आधे हुए खुले हुए फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? बड्स। चलिए अगली बात करते हैं। आधे खुले हुए फ्लावर को हम बड्स बोलते हैं। अब ये बताइए कि क्या आप कभी खुले मैदान में खड़े हुए हैं? नहीं खड़े हुए। जब आप खुले मैदान में खड़े होते हैं और आपके पास पेड़ जो है वो हवाओं में हिल रहे होते हैं, इसका मतलब हवा चल रही होती है। तो हवा आपने कितने टाइप की देखी है बताइए? कितने टाइप की हवा होती है भाई? दो टाइप की, एक बहुत तेज हवा और एक बहुत धीरी वाली हवा। तेज हवा जब आती है तो पेड़ में बहुत जोर के हिलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? तूफान आया। क्या आ गया? तूफान। तो हम जोर से घर लगा घर की तोर भागने लगते हैं, है ना। तो तेज हवा को हम क्या बोलते हैं? तूफान। तेज हवा को हम क्या बोलते हैं? तूफान। तो भैया एक तो होता है तूफान, ठीक ना, और बवंडर। हाँ, तूफान का टाइप एक होता है बवंडर, बवंडर, ठीक ना। तो तूफान को क्या बोलते हैं? स्टॉर्म। क्या बोलते हैं? एस टी ओ आर एम। तूफान का मतलब स्टॉर्म, समझ गए ना, ठीक है ना। मगर जब तूफान गोल 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 घूमता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बवंडर। तो बवंडर को बोलते हैं साइक्लोन। क्या बोलते हैं? साइक्लोन। क्या बोलते हैं? साइक्लोन। समझ में आया ना, ये हो गया तूफान। मगर जब बहुत प्यारी प्यारी धीमी धीमी हवा बहती है, हमको बड़ा अच्छा लगता है, तो उस धीमी धीमी हवा को हम क्या बोलते हैं? ब्रीज। क्या बोलते हैं? ब्रीज। मतलब ब्रीज का मतलब, ब्रीज की स्पेलिंग बोलो, हल्की हवा। बी आर डबल ई जेड ई। ब्रीज मतलब प्यारी प्यारी हल्की हवा, हल्की हवा, हल्की हवा। ब्रीज का मतलब हल्की हवा। इन इंग्लिश व्हाट वी कैन से, व्हाट इज ब्रीज? ब्रीज मतलब अ सॉफ्ट विंड, अ सॉफ्ट विंड। सॉफ्ट का मतलब हल्की, है ना। विंड का मतलब हवा, सॉफ्ट का मतलब हल्की। यहाँ पे सॉफ्ट का मतलब हल्की लिया जाएगा। वैसे आप बात करोगे सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, तो सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम या फिर नरम। वेरी गुड। सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम या नरम। चलिए आपके पास अगर क्वेश्चन आया, हाँ बिल्कुल सही, रुई सॉफ्ट होती है। रुई क्या होती है? सॉफ्ट होती है। और ईट हार्ड होता है। और ईट हार्ड होता है, बिल्कुल सही। तो सॉफ्ट का उल्टा क्या होगा बच्चों? सॉफ्ट का उल्टा होगा हार्ड। सॉफ्ट का उल्टा हार्ड। को हिंदी में क्या बोलेंगे? कठोर। क्या बोलेंगे? कठोर। कठोर, बिल्कुल सही कहा आपने। सॉफ्ट का अपोजिट हार्ड, ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की। आपने कभी देखा कि कोई पौधा है उसमें से फल निकल रहा है, तो फल निकलने के पहले क्या बनता है बच्चों? फूल बनते हैं। क्या बनते हैं? फूल से ही फल बनता है ना। पहले फूल बनता है, फिर फूल से ही क्या निकलता है? फल। तो अगर कोई ऐसा पौधा जिसमें कि फूल निकला हो और बाद में उसमें फल लगने वाला हो, समझ गए ना, तो फ्रूट देने वाले जो पौधे होते हैं उसके फ्लावर को हम बोलते हैं ब्लॉसम। क्या बोलते हैं? ब्लॉसम। हाँ, तो याद रखिए ब्लॉसम्स, बी एल ओ डबल एस ओ एम एस, ब्लॉसम्स, बी एल ओ डबल एस ओ, बी एल ओ डबल एस ओ एम एस, ब्लॉसम्स। ब्लॉसम्स का मतलब क्या होता है? ब्लॉसम्स का मतलब वो फ्लावर होता है
जो बाद में जाके क्या देता है, फ्रूट। बाद में जाके क्या देता है, फ्रूट। तो व्हाट इज ब्लॉसम्स, द फ्लावर, द फ्लावर ऑफ अ फ्रूट ट्री। फ्रूट ट्री मतलब किसका फ्लावर, फ्रूट ट्री का फ्लावर। किसका फ्लावर, फ्रूट ट्री का फ्लावर। फ्रूट ट्री के फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉसम्स। समझ में आया ना, चलिए। सो आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ जाएगा तो आप क्या बोलेंगे अपने टीचर से, अंडरस्टूड। क्या बोलोगे, अंडरस्टूड। हाँ, अंडरस्टूड, UNDERSTOOD, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड मतलब समझ में आना, समझ में आना, समझ में आना, समझ में आना। समझ में आना का मतलब अंडरस्टूड भी बोलते हैं, और समझ में आने का मतलब जो मैं समझा रहा हूँ आपको क्लियर हो जाए। इट मीन समझ में आना का मतलब गॉट द आइडिया, गॉट द आइडिया। हाँ, गॉट द आइडिया। गॉट मतलब प्राप्त करना, द आइडिया, आइडिया मतलब एक है ना, आइडिया। आइडिया को क्या बोलोगे, आइडिया ही बोल दो, है ना, मतलब उस चीज का अनुमान, उस चीज का अनुमान हो जाना, उस चीज को समझ, उस चीज की समझ डेवलप हो जाना, दैट इज कॉल्ड गॉट द आइडिया। चलिए, अब आपने देखा होगा कभी कभी कोई कोई चीजें अचानक होती हैं, मतलब मन में वो आना, मन में आंसर आना। हाँ, मन में आइडियाज आ जाना, मन में उससे रिलेटेड, उससे संबंधित चीज आना, चीज आ जाना। यस, तो गॉट द आइडिया, दैट इज कॉल्ड अंडरस्टूड। ठीक ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो ये हो गया। अब अगली बात मेरे को बताइए, सडनली का मतलब क्या होता है, सडनली, SUDDENLY, सडनली। सडनली का मतलब होता है अचानक, है ना, अचानक। ठीक ना, सडनली का मतलब अचानक। चलिए, अब कुछ और मैं आपसे स्पेलिंग पूछता हूँ। जैसे कि आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगती होगी, है ना, जैसे आपको किंडर जो है खेलना बहुत अच्छा है, तो वो चीज बहुत प्रिय होगी, क्या होगी, प्रिय। तो प्रिय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉन्ड। फॉन्ड, फॉन्ड मतलब प्रिय, F-O-N-D, फॉन्ड मतलब प्रिय। अच्छा, आप ये बताइए मुझे, आप खाना कैसे खाते हैं, गटक लेते हैं या चबा चबा के खाते हैं? चबा के, क्यू, च्यू, चिवी, है ना, तो चबा के खाते हैं, तो चबाना, है ना, तो चबाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, च्यू, C-H-E-W, C-H-E-W, समझ में आया, तो दैट इज कॉल्ड चबाना, च्यू मतलब चबाना, ठीक ना। अच्छा, कुछ चीजें चबाने वाली होती हैं, है ना, और कुछ चीजें गटकने वाली होती है, गटकने को क्या बोलते हैं, निगलना, क्या बोलते हैं, निगलना। तो अभी मेरे को बताइए, जो चबाने वाली चीजें होती हैं, चबाने वाले या चबाने वाली, है ना, कुछ चीजें होती है ना जिनको चबाया जाता है, जैसे रोटी, रोटी कैसे चबाने वाली चीज होती है, तो चबाने वाली चीजों को क्या बोलते हैं अपन, चिवी, क्या बोलते हैं, चिवी, चिवी, सी एच ई डब्ल्यू वाई, सी एच ई डब्ल्यू वाई, मत करो, चिवी, चिवी मतलब चबाने वाली, है ना। चलिए, आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास एक गिलास है और गिलास में पानी भरा हुआ है और आपने यदि इसमें लेमन निचोड़ दिया, लेमन निचोड़ने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, नींबू पानी, क्या बन जाएगा, लेमन। गलत, नींबू पानी बनेगा ना, तो नींबू पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेमोनेड। बिल्कुल सही, नींबू पानी को इंग्लिश में बोलेंगे लेमोनेड, क्या बोलते हैं, लेमोनेड। लेमोनेड की स्पेलिंग याद रखिए, एल ई एम ओ एन ए डी ई, एल ई एम ओ एन ए डी ई, दिस इज कॉल्ड लेमोनेड। तो हम क्या बोलते हैं बेटा नींबू पानी को, लेमोनेड, क्या बोलते हैं, लेमोनेड। चलिए, अब देखिए, आप खाना कैसे खाते हैं, खाना आप बिल्कुल चुपचाप खाते हैं कि किच 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 आवाज आके खाती है ना, कुछ चीजों को आप बिल्कुल चुपचाप खा लेते हैं, है ना, जैसे मैगी हो गई, चुपचाप खा लेते हैं, पता नहीं चलता, सब्जी हो गई, दाल हो गई। मगर कुछ चीजें होती हैं जैसे पापड़, क्या होता है, पापड़, पापड़ हो गया, इनको जब आप खाते हैं तो चपर चपर की आवाज आती है ना, कच कच की आवाज आती है, तो जो चपर चपर करके खाने की आवाज आती है उसको बोलते हैं अपनी, टॉफी आती है बहुत अच्छी लगती है बच्चों को खाने में, उसका नाम है मंच, क्या नाम है, मंच होती है ना, तो मंच में ईडी जोड़ दो तो बन जाएगा मंच। तो मंच का मतलब होता है चपर चपर करके खाना, चपर चपर करके खाना, करके खाना, तो चपर चपर करके खाने को हम क्या बोलते हैं, मंच्ड। ठीक है ना, आ गया समझ में। अब चलिए,
अब आप बताइए आपको नुकीली चीजों से खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? नो। नुकीली चीजों से खेलना गुड हैबिट की बैड हैबिट? बैड हैबिट। हाँ, क्योंकि नुकीली चीजें खेलने से आपको चोट लग सकती है। तो नुकीले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शार्प। क्या बोलते हैं? शार्प। और नुकीली चीजों को क्या बोलेंगे? शार्प ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलेंगे? शार्प ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि अपन पेपर की वो बना लेते कोन जैसी, तो फिर वो भी शार्प हो जाता है। हाँ, नेब होती है उसकी, शार्प हो जाती है। यस, बिल्कुल सही। तो उसमें क्योंकि शार्प निकल आता है ना, शार्प हो जाती है ना, नुकीली हो जाती है। समझ गया ना, नुकीली हो जाती है। क्यों? जैसे पेन और सुई। हाँ, पेन और सुई है ना, तो वो बहुत शार्प होती है। क्या होती है? बहुत शार्प। आपने देखा होगा कोई कोई टेबल हुआ करते हैं, उनके ये जो कोने होते हैं ये भी बहुत शार्प होते हैं, होते हैं ना, इनसे बच के चलना चाहिए। बोले ये सुनो, तो इन कोने को हम क्या बोलते हैं? इन कोने को नो कोन नहीं बोलते, इनको बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं? एज। समझ गया ना, तो हम क्या बोलते हैं इनको? एज। हाँ, ये जो एज है, ये देखिए टेबल का जो कोना है, इसको हम क्या बोलते हैं? एज। तो कोई कोई आपने टेबल देखे होंगे, टेबल के कोने बहुत शार्प होते हैं, तो ये आपको एज यहाँ पे दिख रहा है, कैसा एज है? शार्प एज है कि नहीं है? हाँ, तो ये कैसा एज है? शार्प एज, ई डी जी ई, शार्प एज। शार्प एज मतलब नुकीला कोना। कैसा कोना है? नुकीला कोना। दैट इज अ शार्प एज। गुड, ये कैसा एज है? शार्प एज मतलब नुकीला कोना। समझ में आया ना? क्लियर हो गया? तो ये शार्प एज है। अच्छा, तो कोना कैसा होना चाहिए? शार्प होना चाहिए कि शार्प नहीं होना चाहिए? शार्प नहीं होना। हाँ, तो मतलब आप अपने घर में जो टेबल लोगे वो ऐसा वाला टेबल लोगे या इस टाइप का टेबल लोगे जो दूसरा मैं बना रहा हूँ? बताइए कौन सा टेबल लेंगे, फर्स्ट वाला कि सेकेंड वाला? सेकेंड। सेकेंड वाले का कोना शार्प है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। तो जिसका कोना शार्प नहीं होता उसे हम बोलते हैं ब्लंट। क्या बोलते हैं? ब्लंट, बी एल यू एन टी, है ना। ब्लंट मतलब जिसका कोना शार्प ना हो। शार्प मतलब नुकीला, और ब्लंट को हिंदी बोलते हैं कुंद। क्या बोलते हैं? कुंद, यानी धीमा टाइप का, जिसमें चोट ना लगे। समझ गया ना? हल्का, बिल्कुल सही। तो शार्प एज नहीं है, ब्लंट है। आपने देखे होंगे आपके जो कंपास हुआ करते हैं ना स्कूल के, जिसमें आप पेंसिल पेन रखते हो, तो उनके एज शार्प नहीं होते, उनके एज ब्लंट होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, ब्लंट। यस, ये देखो ब्लंट है, क्योंकि इसमें चोट ना लगे, क्योंकि इसमें चोट ना लगे। अगर यही कोने आपके ऐसे होते हैं तो आपको चोट लगती कि ना लगती? मान लो आपने अपने किसी दोस्त को दे मारा तो खून निकल जाता, क्योंकि ये शार्प था, ये शार्प था, ये शार्प था, ये शार्प था। बट क्या ये शार्प है कि नहीं है? No, ये शार्प नहीं है, तो ब्लंट है। ब्लंट है, बी एल यू एन टी, ब्लंट। समझ में आया? क्लियर हो गया? चलिए, ठीक है ना। तो ये हो गया, हमने काफी सारी स्पेलिंग पढ़ ली है। ओके, अब हम कल के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने काफी सारे अच्छे अच्छे लेक्चर पढ़े थे, जिसमें हम ड्रैगन वाला भी लेक्चर पढ़ रहे थे। आप लोग को याद होगा ड्रैगन वाला लेक्चर, याद है? तो ड्रैगन वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसकी मम्मी जो थी, उसकी मम्मी से कौन था नाम? एडन। कौन नाम था? एडन, ठीक ना। एडन बहुत हैप्पी था, क्योंकि उसकी गर्मी की छुट्टियां लग गई थी, है ना। और वो सुबह सुबह बहुत जोर से दौड़ते हुए मार्केट की तरफ जाता है, और मार्केट की तरफ जाकर पेट शॉप में जाता है, गिनी पिग देखता है ना, और आइस ड्रैगन भी देखता है। देखता है कि नहीं देखता? देखता है ना, आइस ड्रैगन। आइस ड्रैगन का एग देखता है, ठीक है ना। चलिए, और वो दुकान में जाता है, और दुकान में जा करके उसकी जो आंखें हैं एक पर्टिकुलर चीज पर रुक जाती है, एक पर्टिकुलर चीज पर रुक जाती है। यहीं तक हमने पढ़ा था, है ना। क्या पढ़ा था? एंड द समथिंग, एंड देन समथिंग कॉट हिज आई, and then something caught his eye, something caught, c-a-u-g-h-t, caught his eye, and का मतलब और, then का मतलब तब, something मतलब कुछ, caught मतलब पकड़ा, caught मतलब पकड़ा, his मतलब उसकी आंखों ने, समझ गया ना। और उसकी आंखों ने तब कुछ पकड़ा, उसकी आंखों ने तब कुछ पकड़ा। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि तौर तब दुकान में जाके उसकी आंखें कुछ चीज पर जाके रुक गई। क्यों रुकी होंगी कुछ चीज पर? क्योंकि वो चीज उसे बहुत पसंद आई होगी, है ना, ठीक है ना। अब इसकी आंखें जाके रुक गई, अब क्या होता है? ही
वॉक्ड अप टू इट अप टू इट पढ़िए क्या पढ़े ही पढ़िए ही वॉक्ड अप टू इट हाँ इसका मतलब बताइए अभी एक एक करके ही वॉक्ड अप टू इट का मतलब वह वॉक मतलब चलकर वहां तक गया हाँ चलकर हाँ चलकर वो वहां तक जाता है He walked up to it, है ना वह चलकर walk मतलब चलना walk मतलब चलना समझ गया ना या टहलना टहल करके up to it उस तक पहुंचता है आगे पढ़िए He walked up to it it फिर stop it it was an egg it मतलब यह है was का मतलब क्या बताया था मैंने था was का मतलब था अब एग के पहले क्या आएगा बताइए ए आएगा कि एन आएगा एन आएगा वॉवेल बिल्कुल सही तो इट वॉज एन एग यह एक अंडा था यह एक अंडा था किसका अंडा था आगे पढ़िए एन आईज ड्रैगन एग बिल्कुल सही इट वॉज एन एग कॉमा लगा करके एन आईज ड्रैगन एग एन आईज ड्रैगन एग बर्फीली ड्रैगन का अंडा बिल्कुल सही एन आइस ड्रैगन एग एग मतलब कि यह था एक बर्फीले ड्रैगन का अंडा ठीक है ना आगे पढ़िए इट वॉज लाइट ब्लू एंड हैड व्हाइट स्ट्राइप्स इट वॉज बेटा इतना ज्यादा नहीं पढ़ा जाता स्ट्राइप्स बस हो गया It was light blue. It was light blue. यह हल्के नीले कलर का था हल्के नीले कलर का था कलर नहीं है तो कलर तो इंग्लिश है कलर का हिंदी मतलब होता रंग कलर का हिंदी मतलब रंग तो केवल यही आएगा यह हल्का नीला था कलर तो कहीं नहीं लिखा ना तो रंग नहीं बोलेंगे है यह हल्का नीला था और उसकी एक मिनट आगे तो लिख दे एंड व्हाइट स्ट्रिप्स पढ़ो और उसकी अरे उसमें पढ़ो पहले बुक से पढ़ो एंड हैड व्हाइट स्ट्राइप्स नहीं बोलते स्ट्रिप्स बोलते हैं स्ट्रिप्स एंड इट वॉज bigger than an ostrich egg and it was bigger than an ostrich egg it was light blue yeah halka neela tha and had white strips हैंड हेड हेड मतलब इसके पास में हेड मतलब इसके पास में क्या थी सफेद कलर की पट्टियां थी सफेद कलर की पट्टियां एंड इट वॉज बिगर देन एन ऑस्ट्रिच एग और यह एक शुतुरमुर्ग के अंडे से भी बड़ा था थोड़ा सा गैप करके लिखना एन ऑस्ट्रिच हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो एन के बाद थोड़ा सा गैप रहेगा एन ऑस्ट्रिच ओ एस टी आर आई सी एच ऑस्ट्रिच एग से भी बड़ा था ओके हाँ चलिए और वह शुतुरमुर्ग के अंडे से भी बड़ा था बिल्कुल सही है वह शुतुरमुर्ग के अंडे से भी बड़ा था आगे पढ़िए नहीं इसके आगे अच्छा उसके आगे बढ़ने के पहले मुझे बताइए कि शॉपकीपर की स्पेलिंग क्या होती है शॉपकीपर की स्पेलिंग एस एच ओ पी शॉप सी के गलत के डबल ई पी ई आर देखिए शॉप लिखा आपने फिर इसके बाद कीपर के डबल ई पी ई आर शॉपकीपर हिंदी में बोलते हैं दुकानदार क्या बोलते हैं दुकानदार दुकान चलाने वाले को क्या बोलते हैं दुकान का मालिक ही है उसको दुकानदार भी बोलते हैं ओके चलिए एग अब पढ़ी आगे He asked the shopkeeper if it is real of
ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। चलिए अब क्या करता है, अब जो डेविड है, डेविड नाम था कि एडन नाम था, एडन, एडन कहता है दुकानदार से, पूछता है ही मतलब वह है, आस्क्ड मतलब पूछा द शॉपकीपर, शॉप कीपर वह पूछा, एक मिनट भाई एक मिनट, पूरा तो हो जान दे, पूरा लिख लेकर फिर बीच में बोलो कर, शॉपकीपर पहले इसको पढ़ो, ही आस्क्ड द शॉपकीपर, वह दुकानदार से पूछा, बिल्कुल सही, वह दुकानदार से पूछा। और जब भी कोई चीज आप पूछते हो तो इन्वर्टेड कॉमा लगा दो, क्योंकि आप बहुत काम की चीज पूछ रहे हो। क्या पूछता है, इज इट रियल, इफ इट इज रियल, इफ इट्स, इट्स का मतलब इट इज, इट इज को मिला के क्या बोलते हैं, इट्स, इफ इट्स रियल, क्या यह असली है, और क्वेश्चन मार्क लगा दो, इफ इट्स रियल क्या यह असली है। तो दुकानदार ने क्या किया, ऑफ कोर्स, ओ एफ सी ओ यू आर एस ई, सी ओ यू आर एस ई, जरूर बिल्कुल, ऑफ कोर्स को साथ में बोलते हैं, बिल्कुल जरूर, बिल्कुल कह लो या जरूर, बिल्कुल जरूर, बिल्कुल या जरूर, एक चीज बोलोगे, दोनों नहीं बोलोगे है, या तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल या जरूर, है ना, तो बिल्कुल बोलो सबसे अच्छा है, ऑफ कोर्स का मतलब बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल मतलब एकदम सही है ना, एकदम हाँ, मतलब मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ऑफ कोर्स। आगे पढ़िए, इट इज, इट्स एन, इट्स अ ड्रैगन एंड, हाँ दुकानदार ने कहा इट्स मतलब इट इज, इट इज को मिला के बोलते हैं इट्स, इट्स अ ड्रैगन एग, ये किसका एग है, ये ड्रैगन का अंडा है, हाँ। फिर आगे पढ़ो, डोंट यू नो, ड्रैगन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ड्रैगन को ड्रैगन ही बोलते हैं। चलिए पढ़िए, डोंट, आगे पढ़िए, ड्रैगन के बाद, डोंट यू नो दैट ड्रैगन्स लिव इन आइदर, आइदर था, आइदर अंटार्कटिका और नियर वोल्केनोस ही चंड, डोंट यू नो, तुम्हें क्या don't, नहीं पता, क्या तुम्हें नहीं पता है ना, क्या तुम्हें नहीं पता, दैट की, दैट का मतलब की, जब बोलते हो डोंट यू नो दैट, दैट का मतलब की, ड्रैगन लिप्स मतलब ड्रैगन रहते हैं, लिप्स का मतलब रहते हैं, है ना, ड्रैगन लिप्स इन आइदर, इन आइदर, आइदर ई आई टी एच ई आर, इसको इधर भी कुछ लोग बोलते हैं, इन आइदर, आइदर का मतलब होता है या तो, आइदर का मतलब या तो, कहां कहां ड्रैगन रहते हैं, इन आइदर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका एंड एंड द वोल्केनोस, गलत, एंड द वोल्केनोस, वोल्केनोस में नहीं, नियर द वोल्केनोस, एंड वोल्केनोस में रहेंगे तो मर नहीं जाएंगे, है ना, आइदर अंटार्कटिका, स्पेलिंग बोलो, ए एन, इधर लिखा अंटार्कटिका, मतलब तो तुम्हें नहीं पता कि ड्रैगन कहाँ रहते हैं, अंटार्कटिका में रहते हैं, है ना, और या तो नियर मतलब पास में, किसके पास में, वोल्केनोस, हम तो बिल्ली की ही बता देंगे, वोल्केनोस, वोल्केनोस की स्पेलिंग वी ओ एस सी ए एन एस, देखिए एन एस एन ओ एस, हाँ वोल्केनोस एन ओ एस ई, है ना, वोल्केनोस मतलब ज्वालामुखी, क्या तुम्हें नहीं पता, है ना, ही चकल्ड, ही चकल्ड मतलब वो मुंह पिचका के हंसे, मुंह दबाकर हंसा, पिचका के नहीं, हाँ सी एच यू सी के एल ई डी, ही चकल्ड, है ना, कौन, दुकानदार जो है मुंह दबा करके हंसा कि बताओ इसे तो यही नहीं पता, ये इतना गधा बच्चा है, समझ गए ना, तो दुकानदार जो है मुंह दबा के हंसता है। अब आप बोलोगे ये अंटार्कटिका क्या होता है, तो चलिए मैं आपको अंटार्कटिका बता देता हूँ। देखिए बच्चों ये हमारी अर्थ है, क्या है ये हमारी अर्थ, हाँ अर्थ के सबसे ऊपर वाली प्लेस पर एक जगह है जहां पर बर्फ जमा हुआ है, समझ गया ना, बर्फ जमा हुआ है, और एक नीचे वाली प्लेस है, तो ऊपर वाली प्लेस जहां पर बर्फ जमा हुआ है बेटा उसको बोलते हैं अंटार्कटिका, क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका, समझ में आया, और जो नीचे वाली प्लेस है ये है आर्कटिक, क्या है इसका नाम, आर्कटिक, तो ये दो जगह होती है जहां पे बर्फ जमा हुआ है, समझ गया ना,
दो जगह आर्कटिक में क्या हो? आर्कटिक में भी बर्फ जमा हुआ है, तो दो जगह में बिल्कुल बर्फ पाई जाती है, ओनली आइस ही आइस है। तो एक है अंटार्कटिक और एक है आर्कटिक। यहाँ बर्फ के बड़े बड़े चट्टान है, बर्फ के बड़े बड़े क्या है? चट्टान। बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों को क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। हाँ, समझ में आया कि नहीं है? तो भैया हमारे पास एक अंटार्कटिका है और एक आर्कटिक है, समझ गया ना? तो ये क्या होते हैं दोनों? ये कॉन्टिनेंट होते हैं। क्या होते हैं ये? कॉन्टिनेंट। टोटल टोटल वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट है? सेवन। कितने कॉन्टिनेंट है? सेवन कॉन्टिनेंट। आइस के? अर्थ के। अर्थ के सेवन कॉन्टिनेंट, समझ गया ना? सेवन कॉन्टिनेंट में एक है अंटार्कटिका और एक है आर्कटिका। समझ में आया? कोई दिक्कत? सेवन में दो हो गए ना, पांच और है ना, वो पांच के नाम मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। बता दूं पांचों के नाम? चलो पांचों के नाम बता देता हूँ। पहला कॉन्टिनेंट है एशिया। एशिया कौन सा है? एशिया, समझ गए ना? दूसरा कॉन्टिनेंट है यूरोप। यूरोप है ना, पहला कॉन्टिनेंट है एशिया, दूसरा कौन सा है? यूरोप। यूरोप। तीसरा कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका क्या है? नॉर्थ अमेरिका, समझ में आया? वहां पर लोग ही रहते हैं, सब कॉन्टिनेंट में लोग रहते ही है ना। फोर्थ है साउथ अमेरिका। क्या है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। फिर फिफ्थ है अफ्रीका। क्या है फिफ्थ? अफ्रीका। अफ्रीका और वो भी एक कॉन्टिनेंट है, शहर नहीं, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्री आती है, कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्री आती है, समझ गए ना? और कंट्री के अंदर शहर आते हैं। और सिक्स नंबर में है क्या? अंटार्कटिका। कौन है? अंटार्कटिका। और सेवन नंबर में है आर्कटिका। तो ये सात कॉन्टिनेंट है टोटल, पूरा वर्ल्ड जो है इन सात कॉन्टिनेंट से मिलकर के बना है, मतलब जो पूरी अर्थ है उसमें ये सात कॉन्टिनेंट, समझ गए ना? पूरी अर्थ है वो किसमें है? सात कॉन्टिनेंट। इंडिया किस कॉन्टिनेंट में है? एशिया में है। इंडिया किसमें है? एशिया। एशिया में, समझ में आया ना? इंडिया किसमें है? एशिया में। क्लियर हुआ? बोलो आगे। यूरोप। 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 यूरोप पे भी बहुत सारे बड़े बड़े देश हैं। जर्मनी यूरोप में आता है, समझ गए ना? जर्मनी यूरोप में आता है और पेरिस यूरोप में आता है। फ्रांस, हाँ फ्रांस यूरोप में आता है। तो अलग अलग कंट्रीज है सब यूरोप में, समझ गए ना? कई कंट्री को मिला के क्या बनता है? कॉन्टिनेंट। क्लियर हुआ? चलिए, तो भाई हम बात कर रहे थे अपने दुकानदार की। दुकानदार ने मुंह पिचका करके चकल्ड किया, CHUCKLED, चकल्ड है ना। स्पेलिंग क्या होती है चकल्ड की, एक बार फिर से बोल दो। CHUCKLED है ना, वो दबा करके हंसा। चलिए अब बात करते हैं, तो एडन आगे क्या बोलता है? बोलो भाई एडन आगे क्या बोलता है? हाँ, चकल्ड के बाद हाउ, आगे से पढ़िए हाउ। अच्छा, हाउ मच इज इट इज, हाउ मच इज इज इट इज इट, हाँ इसका मतलब क्या होगा? हाउ मच मतलब कितना है ना, हाउ मच मतलब कितना, कितने का है ये, कितने का है ये। इट का मतलब ये, इट का मतलब ये, और इसका मतलब है। हाउ मच इट इज इट, यह कितने का है, यह कितने का है। आगे पढ़ो। अरे क्या पढ़ रहे हो? एडन, एडन आस्क्ड, एडन आस्क्ड ओनली, एक गलत बात। अभी एडन आस्क के बाद फुल स्टॉप है ना, फुल स्टॉप के बाद रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? क्यों तुम आगे बढ़ रहे हो? है, देखो अच्छे से, अच्छे से देखो, है। अगर फुल स्टॉप नहीं होता तो कैपिटल लेटर क्यों होता? हाँ, एडन आस्क्ड, एडन आस्क्ड, हाउ मच इज इट, हाउ मच इज इट, यह कितने का है। एडन आस्क्ड, आस्क का मतलब गलत, पूछा, आस्क का मतलब पूछा, स्पीक मतलब बोला, टोल्ड मतलब बोला, और आस्क का मतलब पूछा। चलो आगे पढ़ो। ओनली $40, हाँ आगे बोलो। द शॉपकीपर बार्गेन, बार्गेन का मतलब बताते हैं। तो एडन ने पूछा, तो उसने शॉपकीपर ने बोला ओनली $40, ओनली $40, ऐसे ही डॉलर का निशान, डॉलर पैसे, डॉलर, ये डॉलर का निशान है। अमेरिका में आप कोई चीज खरीदने जाओगे तो आपको डॉलर में मिलेगा, किसमें मिलेगा? डॉलर में, ठीक ना? तो ओनली $40।
ओके, तो एडन आस्क्ड, पूछा तो उसने क्या बोला, ओनली $40, ओनली $40। चलिए, ओनली $40। द शॉपकीपर बार्गेन, द शॉपकीपर बार्गेन, द शॉपकीपर बार्गेन, बार्गेन की स्पेलिंग बोलो, BARGAINED, है ना, the shopkeeper bargained. Bargained का मतलब होता है मोल भाव करना, मोल भाव, मोल भाव मतलब जैसे आप कोई दुकान जाते हो ना, तो वो दुकानदार बोलेगा कि भैया ये 70